देखिए आज की हमारी क्लास है टेस्ट ऑन न्यूटन लॉज एंड फ्रिक्शन। ये जो आपका अभी पेपर हुआ है इसी पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। 25 सवाल हैं और ऑलमोस्ट एक घंटे का समय है हमारे पास, तो आसानी से सारे सवाल डिस्कस हो जाएंगे। 25 में से हो सकता है दो तीन तो आपके किए हुए भी हों, इतने तो मैच हो भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक स्मूथ कप है जिसका रेडियस है 3R। स्मूथ कप है जिसका रेडियस है 3R और इसके अंदर दो छोटे कप स्टेटिक इक्विलिब्रियम में हैं। दो छोटे कप जिनका रेडियस है R वो स्टेटिक इक्विलिब्रियम में हैं। तो पूछा है द रेशियो ऑफ रिएक्शन फोर्स बिटवीन कप एंड एनी स्फीयर। कप और स्फीयर के बीच का रिएक्शन फोर्स मान लो N1 एंड एनी स्फीयर द रेशियो ऑफ रिएक्शन बिटवीन कप एंड एनी स्फीयर टू रिएक्शन बिटवीन द टू स्फीयर। दो स्फीयर के बीच का ये हो गया N2। तो दरअसल इस सवाल में आपको निकालना है N1 अपॉन N2। ये चीज आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। क्या लामी थ्योरम से नहीं हो जाएगा तुरंत ही? बताओ। देखो ये बड़े स्फीयर का सेंटर, उसकी डिस्टेंस 3R, ये स्मॉल R, तो ये कितनी बची? 2R बची। और ये है आपकी R, यहां से आपने ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल थीटा। लामी थ्योरम लगा दो, केवल और केवल लामी थ्योरम। नीचे लग रहा होगा MG, केवल इसको आपने देखा तो देखिए N1 इधर, N2 इधर एंड नीचे लगा MG। ये एंगल 90 डिग्री। अगर हम N1 और MG के बीच के एंगल की बात करें तो N1 उधर है, MG नीचे, तो 90 प्लस थीटा। और अगर मैं N2 और N1 के बीच की बात करूं तो N2 इधर है, N1 उधर है, तो 180 माइनस थीटा। आप जब केवल लामी थ्योरम लगाएंगे तो इक्वेशन बनती है N1 अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू N2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। इतना ही बहुत है हमारे लिए, तो क्योंकि मुझे N1 N2 की वैल्यू नहीं, इनका रेशियो निकालना है। तो ये बना N1 अपॉन 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन कोस थीटा एंड N1 अपॉन N2 इज 1 अपॉन कोस थीटा। अब कोस थीटा तो आप ट्रिग्नोमेट्री से इस ट्रायंगल से ला ही सकते हो। कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R अपॉन 2R, इट मींस 1/2। तो ये आपका आ गया 2। अपनी की देख लेना भाई, कोई दिक्कत हो तो अभी बता देना। फर्स्ट का आंसर बन रहा है बी। की जरूर चेक करते चलना साथ साथ। फर्स्ट का आंसर आ रहा है बी, क्योंकि अभी ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया है। अगर बाय चांस किसी की में कोई कहीं कुछ हो तो बता देंगे। कितने बच्चों से एग्जाम में हो गया था ये वाला सवाल? यस ठीक है। सेकंड, मनीष आपने वो नहीं बताया भाई कौन सा किसमें दिक्कत रही? टेंथ कौन सा? R1, R2, R3? यस सर। यार ये कोई सवाल था? R1 + R2 अपन है हमारा। अरे तो ये कोई सवाल था यार? इधर देखो, सुनो, टेंथ सुनो। थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियली इन इक्विलिब्रियम। भाई हद हो गई यार, ये सवाल गलत कर दिया। If the two first forces are perpendicular to each other, R1 और R2 लग रहे हैं एक दूसरे के perpendicular, और तीनों का सम है जीरो, तो इसका मतलब जिधर R1 प्लस R2 का रिजल्टेंट आएगा उधर ही तो R3 आएगा, उससे अपोजिट। इनका रिजल्टेंट कितना बना? √R1² + R2² तो इसके अपोजिट इधर की तरफ, इसके अपोजिट इधर की तरफ आपका बनेगा R3, और R3 भी कितना होगा? √R1 + R2² तभी जाके ये दोनों कैंसिल आउट हो पाएंगे। ये इनिशियल सिचुएशन आ गई क्या आपको समझ में? Yes, sir. अब क्या किया है सुनो, एंड सडनली द थर्ड फोर्स इज रिमूव्ड। तीसरे फोर्स को रिमूव कर दिया तो एक्सेलरेशन बतानी है। तीसरा फोर्स रिमूव होते ही खाली ये फोर्स बचा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी √R1² + R2² / m।
अच्छा अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो यहां इसका यूज करो ना, अंडर रूट आर वन प्लस आर टू स्क्वायर किसके बराबर है? आर थ्री के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू आर थ्री बाई एन। अब जो कुछ कोई बच्चे बोल रहे हैं कि आर वन प्लस आर टू कर दिया, वो तब होता जब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होते ना, तो आप ये लिख सकते थे कि आर वन वैक्टर प्लस आर टू वैक्टर डिवाइडेड बाई एम, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड तो ये बनेगा, आर वन प्लस आर टू थोड़ी बनेगा। अरे अब ये बताओ, ये मुझे लगता है ये तो फोर्स का क्वेश्चन ही नहीं था, न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो वेक्टर का क्वेश्चन था, इतना सीधा था। क्या पूरी क्लास में कोई बच्चा सही करके आया ये वाला सवाल? नाम बताना, नाम किसने सही किया? हिमांशु। हिमांशु आपकी क्लास में दो है कि एक है? एक ही है सर। हिमांशु शेखावत दो है सर, दो दो। हिमांशु शेखावत एक और है सर, हिमांशु यादव नाम से। हाँ वही मैंने देखा। चलो कोई नहीं भाई, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर टेंथ। तो मनीष भाई आपके तो सारे क्लियर हो गए, फिर भी अगर रुक सको तो रुक जाओ मीटिंग में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहिए मिस्टर अनुज का। अनुज आपका ही डाउट था ये पैराबोला? हाँ जी अनुज। यस सर। क्या ये आपने डाउट भेजा था क्या ये वाला? यस सर। तो देखो अब ये फायदा होता है डाउट को कॉमन करने का, उस डाउट को मैंने ग्रुप पे कॉमन किया और वो फिर सीपीपी में डाल के डिस्कस किया। तो ये तो आप लोगों ने कल परसों ही किया था, तो क्या आपको ये याद था ये आंसर? नहीं भी याद था, बिल्कुल याद था। नहीं भी याद था तो तरीका याद था, दो स्टेप है, डी बाई डी एक्स निकालो, उसको म्यू एस से इक्वेट करो, है ना भाई? ये तो आसान सा सवाल था, लेकिन जेई में कॉमन है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा सवाल हम देखते हैं, तीसरा सवाल। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर The coefficient of friction between the two blocks is mu. देखो ये इस तरह का अरेंजमेंट है और यहां पे ये मास है स्मॉल m और इसके ऊपर एक और मास है स्मॉल m और इसको यूं खींचा जा रहा है एफ फोर्स से। तो सपोज इसमें a एक्सेलरेशन आगे होगी तो ये पुली रेस्ट पे है, तो अगर ये a से आगे जा रहा है तो ये a से पीछे आएगा। आपको बताना है देन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज, एक्सेलरेशन बताना है। देखो अलग अलग एफबीडी बनाओ हॉरिजॉन्टल, बस पहली बात यहां फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा? यहां काइनेटिक, क्योंकि ये स्लिप कर रहे होंगे, वो आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू इनटू एन होता है, और यहां जो नॉर्मल होगा इससे ऊपर ऊपर का वेट देखना है, इससे ऊपर ऊपर मास एम है तो एमजी, यानी कि यहां जो फोर्स लग रहा होगा इस पे पीछे लगेगा और इस पे भी पीछे लगेगा। मैं दोनों पे पीछे लगा रहा हूं, मतलब क्या, ये आगे जा रहे हैं ये इधर जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन उधर लगेगा। अब उसको देखो वो उधर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्या दोनों फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई है समझ में? नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा म्यू एम जी एंड ऊपर वाले ब्लॉक पे भी लगेगा कितना, म्यू एम जी। हाँ जी भाई बताओ यहां तक क्लियर हो गया क्या? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं फ्रिक्शन की? ठीक है, और टेंशन तो खींचेगी इस पे भी टी इधर, इस पे भी टी इधर। चलो अब दोनों पे अलग अलग एबीडी देखो, पहले नीचे वाले लोअर ब्लॉक की आप इक्वेशन बनाइए न्यूटन्स लॉ की हॉरिजॉन्टल, आगे कौन सा फोर्स लग रहा है एफ, और रोकने वाले दो लग रहे हैं तो एफ माइनस टी माइनस म्यू एम जी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर वन। अब आप अपर ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लगवाओ, अपर ब्लॉक पे, अपर ब्लॉक को अगर आप देखते हैं तो इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इधर एक ही फोर्स है टी और उधर रोकने वाला भी एक ही म्यू एम जी, तो इक्वेशन बनेगी टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पति भाई क्लियर हुआ है यहां तक? ठीक है, अब मुझे ए चाहिए, टी गायब करना है, एड कर दो। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो टी से टी गया, ये बना एफ माइनस टू म्यू एम जी इज इक्वल टू टू एम ए, ए चाहिए तो टू एम से दोनों साइड डिवाइड किया तो ए आ गया एफ बाई टू एम
एंड दूसरी टर्म ओनली बचेगी माइनस म्यू जी। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? यह है आपका सी। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी को? ये बताओ ये पेपर में कोई बच्चा कौन सही करके आया ये वाला सवाल थर्ड? देखो मनीष के तो अब है ही सारे सही, वो एक टेंथ था वो गलत था, इनके अलावा जो है पूजा आपका सही है। ठीक है भाई, समझ में आया ना, ये आपसे होने चाहिए। अब बिल्कुल ही किए हुए सवाल थोड़ी आएंगे, एक आधा आ जाता है पेपर में, हर पेपर में हो जाता है, लेकिन यूं थोड़ी होता है कि सारे। अब ये तो आपको न्यूटन स्लो लगाने पड़ेंगे, तो इसी तरह से तो हुआ, बस दो बार न्यूटन स्लो लगाया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो ये वाला तो नहीं, लेकिन हमें लगता है दो बार मैं आपके टेस्ट में इस तरह का सिस्टम दे चुका हूं। एग्जैक्टली ये क्यों सर, वो बिल्कुल सेम है ना, दो बार मैं मतलब पिछले सप्ताह या जब भी वो टेस्ट हुए, अभी नहीं काफी दिन पहले जब न्यूटन स्लो स्टार्ट हुआ था तब के आसपास, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है सेम ही सिस्टम बना के, एक्चुअली वो एम्स वाले पेपर में कभी आया था, वो मैंने आपको दिया था, और दूसरा पता नहीं कहां से दिया था, जिस तरह से दिया था, और वही सिस्टम यहां पर फिर आ गया। ये आपका है बी एंड ये है यहां पे ए। ये 4 kg और ये 5 kg। पूछा है एक्सेलरेशन बतानी है किधर होगी। चलो एक बार बताओ दिमाग में क्या आता है कि कौन सा नीचे चलेगा कौन सा ऊपर, बोलिए 4 kg 5 kg में से कौन सा नीचे चलेगा कौन सा ऊपर चलेगा, क्या दिमाग में आता है? हाँ भाई बताओ ना। चलो मान लो आपने माना कि ये भारी है तो ये नीचे चला ए एक्सेलरेशन से, और ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर चला। देखो सबसे पहले कंस्ट्रेंट का यूज कीजिए, ये ए से नीचे चला तो ये भी ए से नीचे चला, ये पुली ए से नीचे चली और ये एंड फिक्स है, इसकी जीरो इसकी ए, तो इसकी बताओ कितनी होगी 1D वाले फॉर्मूले से, कंस्ट्रेंट वाले फॉर्मूले से बोलो भाई। ए डैश मान लिया मैंने, 0 + a′/2 इज इक्वल टू ए, तो वहां से ए डैश कितना आया 2a है ना, तो ये 2a से आ रहा है, पुली फिक्स है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा 2a से। एक काम तो ये हुआ। अब एक टेंशन, सपोज इस रस्सी में टेंशन टी है, तो इस रस्सी में भी टी है और इसमें भी टी है, पुली मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, चाहे वो एक्सेलरेटेड हो, तो ऊपर 2t तो नीचे भी कितना 2t, तो इस रस्सी में जो टेंशन है दैट इज 2t। हाँ जी भाई क्लियर हुआ क्या ये वाला डायग्राम? ये बोर्ड विजिबल है कि नहीं क्लियरली? देखो अब इक्वेशन बनाई आपने बी की, बी की एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे की तरफ वेट 5g और ऊपर 2t, क्या इक्वेशन बनेगी बी की इक्वेशन? 5g - 2t, 5g - 2t इज इक्वल टू 5 × a, इक्वेशन नंबर 1। क्या हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या नेटवर्क आ भी रहा है कि नहीं अब तक? दिख रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, एको देख के इक्वेशन बताओ, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, नीचे 4g और ऊपर t, तो t - 4g इज इक्वल टू 4 × 2a, इट मींस 8a, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2t बना दो और फिर एड कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t - 2t कट गया, ये -8g हो गया और वो 5g, तो मतलब -3g, 5 है और ये 8 तो 16 और 5 21 है, तो a आया 3/21 1/7 -g/7। a -g/7 आने का क्या मतलब है? a -g/7 आने का मतलब है कि ये नीचे नहीं, ये जो ब्लॉक है ये भाई g/7 से किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। क्लियर और नोट आ गया ना ये समझ में? और इसकी एक्सेलरेशन ए है तो इसकी 2a, तो इसकी 2a होगी, तो ये 2g/7 से नीचे आ रहा होगा, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना था इसमें,
और ऐसा ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए उसको ए बोला है, दैट इज 2g/7 डाउनवर्ड एंड बी की g/7 अपवर्ड, ए ऑप्शन है ऐसा। अब ये बताओ पेपर में कोई बच्चा सही करके आया ये वाला सवाल? ठीक है, होने चाहिए बिकॉज इस तरह के सिस्टम आपने दो तीन बार कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा सवाल देखते हैं। अब ये तो हर्षित, हर्षित है क्या क्लास में अभी? हाँ जी मिस्टर हर्षित, आप हो क्या क्लास में या नहीं हो? यस सर। आपने वो एचसीवी का सवाल नहीं पूछा था? यस सर। ये तो उस टाइप का ही है लगभग, 50 किलोग्राम का ये है, 25 किलोग्राम का ये है, वो एचसीवी का एक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आपके डाउट्स से ही आ रहे हैं यार क्वेश्चन तो कई बार, फिर इसको थोड़ा यूं ले आए और फिर एक पुली लगा दी। क्या हमने आपको बताया था कि पुली एक्स्ट्रा लगाने से ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है? Yes, sir. है ना, तो ये वही सवाल है। क्या पूछा इन्होंने कि कांस्टेंट स्पीड से प्लेटफॉर्म चल रहा है, भाई जी कांस्टेंट स्पीड से चले या ना चले बात एक ही है, चाहे कांस्टेंट स्पीड से चले या रेस्ट पे रहे बात एक ही है, एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। तो यानी कि आपको केवल और केवल फोर्स बैलेंस करना था। तो पूछा है कि पर्सन ने, आदमी ने कितना फोर्स लगा रखा है, आदमी ने जो भी फोर्स लगा रखा होगा वही टेंशन होगी। तो आप इसका एफबीडी बनाओ इतने पार्ट का। नीचे तो लग रहा है 50 और 25 75 750 न्यूटन, और ऊपर देखो टी टी और टी, तीन टेंशन। तो क्या इक्वेशन बनेगी? एक्सेलरेशन जीरो है तो 3t = 750, तो टी आ गया 250 न्यूटन, तो आदमी ने यही फोर्स लगा रखा है। कितने बच्चों ने सही किया ये वाला सवाल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। एक्चुअली सिक्स में क्या हुआ है कि एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो इन्होंने इकट्ठा एक ही सवाल में दो बार लगवा दिया। मैंने आपके टेस्ट में जो कभी क्वेश्चन पूछा था कंस्ट्रेंट में, अब नहीं इस वीक तो आपका कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, काफी पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, बस एक ही दिया था, दो नहीं दिए। इन्होंने ये दो ले दिए इसमें एक ही अरेंजमेंट में। इस तरह का अरेंजमेंट है देखें, और एक ब्लॉक यहां है डी, दिस इज सी, ए एंड बी ये दिया है, ये बी वन और ये दे रखा है बी टू और ये दे रखा है ए वन और ये दे रखा है ए टू। अच्छा ये क्या लिखता है इसमें सुनिए, ए वन एंड ए टू आर द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बी वन एंड बी टू सी ओ डी के एक्सेलरेशन है रिलेटेड टू ए एंड बी, ये हम जानते हैं तभी इधर है। तो पूछा है ए वन ए टू बी वन बी टू में क्या वो होगा रिलेशन। आप यू मान लो कि ये रस्सी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर आ रही है विद सम एक्सेलरेशन एक्स, मान सकते हो ऐसा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? देखो ये तीन चीजें तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये दोनों विद रेस्पेक्ट टू अपने अपने वेज है इस तरह से। तो आप एक एक करके देखो, जो चीज आपने सीखी उसको अलग अलग या देखो, इसको रोक दो, इसको रोकना है तो इसमें इधर कितना ऐड होगा ए वन, इसमें इधर ऐड हुआ तो इसमें भी इधर ऐड होगा ए वन, और इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो है ही तब जब ए रुका हुआ। तो बस यहां से देखा तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में होगी एक्स प्लस ए वन, जितने से आएगा उतने से जाएगा और जाने वाला बी, तो इक्वेशन बनी बी वन बराबर एक्स प्लस ए वन। पति ये इक्वेशन आई क्या समझ में? पहली इक्वेशन, हाँ भाई फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है सभी को? यस। ठीक है, फिर आप इधर आओ, अब इसको ए वन को छोड़ो, अब आप इधर आओ, इसके रेस्पेक्ट में करना है तो इसको रोक दो, इसको रोकना है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ए टू एड किया, इसमें ऐड किया तो इसमें भी ऐड होगा ए टू, इसमें कुछ नहीं होना क्योंकि ये तो है ही तब जब ये रुका हुआ है। अब देखो अगर ये बी टू से इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा होगा, यानी कि ए टू बढ़ा है कि एक्स बढ़ा है? अगर ये बी टू से इधर जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में तो उधर जाएगा, तो ए टू बढ़ा है कि एक्स बढ़ा है इस समय बोलो?
अगर ये बी टू से नीचे उतर रहा है बी के रेस्पेक्ट में तो ये उधर जाना चाहिए, तो उधर कब जाएगा, जब ए टू बढ़ाओ या एक्स बढ़ाओ, इसमें दो दो एक्सेलरेशन दिख रही है ए टू, तो जो नेट एक्सेलरेशन बनेगी उधर ए टू माइनस एक्स वो बराबर होगी बी टू के, तो बी टू इज इक्वल टू ए टू माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर टू। मुझे एक्स एलिमिनेट करना है, बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज अभी तो यहाँ पे, यस सर इधर भी है बारिश, तो यहाँ अभी स्टार्ट हुई है। देखिए आपने क्या किया, बस गई, दो ही मिनट आवाज आती बारिश की फिर गई, इन दोनों को ऐड किया, x से x कट गया, b1 plus b2 is equal to a1 plus a2। मेरे बोलते ही तेज बारिश खत्म होगी, धीरे धीरे होगी। ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा इसमें ऑप्शन है b ऑप्शन है सर, इनको एक साइड ले जाओगे तो घटा के और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, b ऑप्शन है। ये सवाल किस किसने सही किया एग्जाम में पेपर में? यस सर, ठीक है। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवंथ, देखो सेवंथ एक अच्छा सवाल है स्प्रिंग वाला, क्या आपने आईआईटी 1996 वाला क्वेश्चन किया था? यस सर। अब ये नहीं पता उससे आसान है कि उससे मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक उस तरह का भी है। वो क्वेश्चन था उसमें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा था आपसे, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन पूछा, उसमें भी शायद नॉर्मल रिएक्शन पूछ रखा था। देखिए सेवंथ क्वेश्चन, ये एक रिंग है, ये एक डायमीटर है, और यहां से इस तरह से एक यहां पे ये रिंग अटकी हुई है, और ये 30 डिग्री एंगल पे है, बीड, बीड इसे बोलते हैं, बीड ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ r, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो r है, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो हमें r दी गई है। उस दिन नेचुरल लेंथ उस सवाल में पता नहीं कितनी थी, 3r/4 थी जो मैंने करवाया था आपको, इससे अलग सवाल, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के खतरनाक दे रखा भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है अंडर रूट 3+1 इंटू mg/r, ये दिया हुआ है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग फिक्स है, ठीक है, स्मूथ वर्टिकल है, ठीक है जी, रिंग भी स्मूथ है, रेडियस रिंग का r है, अगर रेडियस रिंग का r है तो ये पूरा हो गया आपका 2r, थोड़ा तो ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। द नॉर्मल रिएक्शन एट बी जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज, देखो पहली बात जस्ट रिलीज किया है तो रिलीज करते ही स्पीड कितनी होगी, जीरो, स्पीड जीरो होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हो सकती है उसमें, लेकिन जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर वो कितनी होगी, जीरो। ये सीखा था ना हमने, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीजिंग जीरो होता है, ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, कभी अलोंग द स्ट्रिंग मत कर देना। अरे मुझे लगता है मैंने उस दिन उस डिस्कशन में ये भी बताया था कि बच्चे गलती कर देते हैं, सेंट्रिपिटल कर देते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, जबकि वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है इस तरह से, तो ये होती, अगर ये होती तो ये एसी होती, लेकिन एसी जीरो, इस तरह का काम हो गया। अच्छा देखो अभी बढ़ते हैं आगे, एफबीडी बनाते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ये दोनों रेडियस तो एक आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो ये 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। पहले स्प्रिंग फोर्स का पता लगाओ, जैसे उस दिन पता लगाया था ऐसे, उसके लिए आपको इसकी लेंथ चाहिए भाई, ज्योमेट्री से बताओ ये लेंथ कैसे निकाले, ये वाली लेंथ हम कैसे निकाले ज्योमेट्री से, ऐसे निकाल लो, देखो आपने इसको ज्वाइन किया, इसको आप ये जानते हो कि एक सेमी सर्कल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, yes, है ना, तो ये पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ होगी एल प्लस एक्स, एल तो इसकी नेचुरल लेंथ है और कुछ इसमें एक्सटेंशन वगैरह होगा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटन्यूज और ये बेस, तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो कोस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटन्यूज कितना हो गया, एल प्लस एक्स अपॉन टू आर, है ना भाई, आ गया समझ में, एल प्लस एक्स इज इक्वल टू टू आर इंटू कोस 30 वेयर कोस 30 इज रूट 3/2 और नेचुरल लेंथ आपकी आर है, तो आर प्लस एक्स इज अंडर रूट 3 आर, और यू कैन से एक्सटेंशन आ गया अंडर रूट 3-1 इंटू आर। पहले ये बताओ कि एक्सटेंशन समझ में आया कितना है, ठीक है, अगर एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग फोर्स भी आ गया,
स्प्रिंग फोर्स होता है K इंटू एक्स, K भी खतरनाक X भी खतरनाक, K है अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू एम जी बाई आर और X है अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू आर, आर से आर गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2, तो यार ये तो ओनली 2 एम जी आया, ओनली 2 एम जी, यानी कि एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा और क्योंकि स्प्रिंग खिंची है तो वो अंदर की तरफ लगेगा, तो एक फोर्स तो मुझे पता लग गया इधर, दैट इज 2 एम जी, ठीक है, एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स इसका वेट होगा नीचे कितना एम जी, फ्रिक्शन है नहीं, बस एक ही बचा और वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द स्प्रिंग लगेगा या सेंटर के अलोंग लगेगा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और सरफेस का परपेंडिकुलर होता है सेंटर से ज्वाइन करते हो, तो ये आपका बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। आप बताओ कि आपको तीनों फोर्सेज समझ में आ गए, कौन कौन से लग रहे हैं, क्या आपको तीनों फोर्सेज क्लियर हो रहे हैं इसमें, भाई ये मैं थोड़ा छोटा बना दूं, एक तो नीचे की तरफ है इसका वेट, एक तो नीचे की तरफ है इसका वेट, एक स्प्रिंग फोर्स इधर और एक नॉर्मल होगा अलोंग द नॉर्मल मतलब सेंटर के अलोंग, आगे ना तीनों की डायरेक्शन समझ में। अब बताओ ये रिलीज क्या है, क्या मैं लामी थ्योरम लगा सकता हूं यहां, बोले क्या हम यहां लामी थ्योरम लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि केवल एक एक्सेलरेशन जीरो है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस वक्त सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जीरो है, परंतु ये चीज तो नॉन जीरो होती है, उस दिन हमने सीखा था, ये तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लामी थ्योरम नहीं, लेकिन सेंटर वाली डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस कर सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन जो उस दिन जेई का क्वेश्चन था 1996 का, जिसमें हमारा नॉर्मल रिएक्शन निकल के आया था 3/8 एम जी, याद है कुछ पहला ही सवाल था उसके उस सीपीपी का, तो उस तरह से निकालेंगे। चलिए कंपोनेंट्स करो, ये आप कंपोनेंट करवाओ, कैसे करें कंपोनेंट, एंगल चाहिए मुझे अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, ये है सेंट्रिपेटल डायरेक्शन, इधर चाहिए मुझे एंगल, 2mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा भाई, जब ये एंगल 30 डिग्री है तो 2mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में, 2mg cos 30, हाँ मैं यहां लिखता हूं एक बार, 2mg cos 30 डिग्री, cos 30 होता है रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 तो 2 से 2 कटेगा, तो ये वाला कंपोनेंट तो आया अंडर रूट 3mg, चलो जी ठीक है, अब इस mg का कंपोनेंट क्या आएगा इधर, देखो 2mg के दो कंपोनेंट हुए, 2mg cos 30 इधर और 2mg sin 30 इधर, 2mg के दो कंपोनेंट हुए, 2mg cos 30 उधर और 2mg sin 30 उधर, अब mg के कंपोनेंट, mg का एक कंपोनेंट तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा और mg का एक कंपोनेंट सेंट्रिपेटल डायरेक्शन में होगा, ये देखना हमें, उसके लिए एंगल ढूंढो भाई, एंगल ढूंढो तब जाके बात बनेगी, ये 30 ये mg बिल्कुल सीधा है, ये 90 ये 30 तो ये 60 हो गया, आया क्या समझ में, ये 30 ये 90 है राइट एंगल, तो पूरा 60 और ये 30 तो ये भी कितना बचा 30, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर mg cos 30 और इधर होगा mg sin 30 यानी कि mg by 2, इधर हो गया mg cos 30, तो दूसरा ये वाला भी आया mg cos 30, cos 30 is root 3/2, तो root 3/2 mg, तो इधर की तरफ जो फोर्स बन रहा है इन दोनों का सम एलसीएम 2 रूट 3 प्लस रूट 3, इधर की तरफ जो फोर्स बना नॉर्मल डायरेक्शन में दैट इज 3 रूट 3 mg by 2 और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना बन रहा है बताना, 2 mg sin 30 ऊपर और mg sin 30 नीचे, तो क्या बचा mg sin 30 बचा ऊपर, हाँ जी mg sin 30 मतलब mg by 2, तो देखो मैं अगर इस बीड का डायग्राम बनाऊं ढंग से, अब मैं डायग्राम दिखाऊं, ये बीड है मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, ये नॉर्मल है, तो इस डायरेक्शन में तो जो फोर्स हमने देखा इकट्ठा करके वो बना 3√3 mg by 2 और इधर का इधर बन रहा है mg sin 30 यानी कि mg by 2, अब फ्रिक्शन है नहीं और जस्ट रिलीज किया तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जीरो, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए तो नॉर्मल बाहर होगा, इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जीरो है और उधर जिधर नेट फोर्स होगा उधर एक्सेलरेशन होगी, तो अब आप जवाब दो नॉर्मल कितना आ गया, 3√3
फ्री रूट 3/2 mg। और मैं अगर पूछूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो नहीं पूछ रखा इस सवाल में, जो जेई वाले क्वेश्चन पूछा था, वो कितनी होगी इधर की तरफ, इधर की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी बताओ? mg/2 तो फोर्स है, एक्सेलरेशन g/2। तो अब भाई ये बताओ एग्जाम में ये नॉर्मल कौन सही निकाल के आया? 3√3 mg/2। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही किया था ये, परफेक्टली कंपोनेंट करके और इस तरीके से। यस सर, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है यार। बाकी बच्चों से भी होना चाहिए था, बिकॉज अगर आपने जेई 1996 का वो सवाल किया हुआ था तो ये उससे मुश्किल नहीं था, कॉन्सेप्ट वही था। देखो पेपर में नए सवाल भी आते हैं लेकिन नए कम आते हैं, आप जो कर रखे होते हैं उस पे वेट ज्यादा आते हैं, इस तरह का ही काम होता है पेपर कहीं से आ जाओ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी बता दो यार पूरी क्लास, क्या सेवंथ समझ में आ गया आप लोगों को जो अटेंड कर रहे हैं ये? यस सर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये तो बहुत ही आसान सवाल, 1D मोशन टाइप फॉर्मूला लगाना था, ये एंड और नीचे बंधा है ब्लॉक सी और जिसकी एक्सेलरेशन बोल दी ए। बोला है कि भाई ये एंड जो है ना ये इधर जा रहा है 3 m/s² से, ये एंड इधर जा रहा है 2 m/s² से, और ये पुली रेस्ट पे है ऊपर वाली, जब पुली रेस्ट पे ये 4 से जा रहा है तो ये भी 4 से जाएगा, ये 3 से जा रहा है तो ये भी 3 से जाएगा, और यहां 1D फॉर्मूला लगा दो, 1D फॉर्मूला होगा a बराबर 3 + 4/2 दैट इज 7.5, 7/2 ना 7.5 नहीं 7/2 3.5। कितने बच्चों ने सही किया ये 8th क्वेश्चन? आसान था ना, ये तो सीधा ही था फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। नाइन्थ, अक्सर उम्मीद होती है कि ऐसे सवाल आए तो कोई एंगल दिया जाएगा ताकि हम वो फॉर्मूला सीधा यूज कर पाए, इन्होंने तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया। क्या आपको याद थे क्या रिजल्ट एबीसी के? देखो थोड़ा आइडिया इससे भी लग सकता है कि नीचे 1 + 3 sin² θ होता है, या θ 90 लेके आप चेक कर सकते हो, मतलब जैसे भी आप करते हैं, लेकिन अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10th हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है। 11th, पता नहीं कब, एक महीना पहले आपने किया था ये सवाल, दिया था मैंने आपके टेस्ट में, आंसर याद से मरोगे कभी। इन्होंने वर्टेक्स A2 का पूछा है, अगर वर्टेक्स A1 का पूछ लिया होता तो आंसर अलग आता। ये तो बाय चांस क्या है कि हमने भी आपसे वर्टेक्स A2 का पूछा था एक महीने पहले और इन्होंने भी वर्टेक्स A2 का पूछ लिया, ऐसे आंसर याद के चक्कर में मत जाया करो। क्या इस पे ध्यान गया था आपका कि वही A2 ही बताने है कोई और बताने है? ठीक है, चलो ठीक है, ये आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 12th, ये हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 12th किसी से हुआ? ठीक है, देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ कि जैसे बार बार सवाल आ जाए, इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए या जो आपने कभी नहीं कर रखा हो, तो अपने न्यूटन लॉ है ना अपने पास, वो बहुत है, उनसे ही सारा काम चल जाता है। ये एक ब्लॉक है, यहां रखा हुआ है, इसका मास है 5 m, सॉरी यहां पे एक मास है m, जो भी ये रस्सी घूम के आ रही है ऊपर से गई, और यहां पे एक यू है 2 m। हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ 5 m इज, कोई फ्रिक्शन कहीं नहीं है, कोई फ्रिक्शन कहीं नहीं है, सब कुछ चलने के लिए फ्री है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 m आप किसी डायरेक्शन में मान लो, सपोज मैंने आगे माना a, अब ऐसा है कि अगर नेगेटिव आएगा तो पीछे हो जाएगा, वर्टिकली तो चल नहीं सकता है, तो मैंने a आगे मान लिया, और इसके रेस्पेक्ट में ये 2 m भारी है तो 2 m नीचे चलेगा और ये इधर चलेगा, लेकिन ये वैल्यू जो है वो इसके रेस्पेक्ट में, सपोज ये एक्सेलरेशन b है तो ये भी b है। क्या ये बात, इतनी बात आ गई यहां तक समझ में? देखो a जो है दैट इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, a इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड b इज विद रेस्पेक्ट टू 5 m,
क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? ठीक है, अब देखो आप सिंपल न्यूटन्स लॉ अगर लगाएं, सिंपल न्यूटन्स लॉ, मैं कहता हूं आप फ्रेम मान लो 5m को, फ्रेम आप मानो 5m को, अब 5m के फ्रेम में ज्यादा जरूर थोड़ी शैडो फोर्स लगेंगे, तीनों पे लगेंगे। फ्रेम अगर आपने 5m को मान लिया और 5m आगे एक्सेलरेट हो रहा है a एक्सेलरेशन से, तो किसी भी ब्लॉक का आप एफबीडी बनाओगे तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, सॉरी पीछे की तरफ शैडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? मास इनटू a। तो इस पे जो शैडो फोर्स लगा, इस पे 2m वाले पे पीछे शैडो फोर्स लगेगा 2ma, 5m वाले पे पीछे शैडो फोर्स लगेगा 5ma, एंड इस फ्रेम में m वाले पे पीछे शैडो फोर्स लगेगा ma। तीन शैडो फोर्स मैंने बना दिए एबीडी के, ठीक है। बाकी फोर्सेज अब आप देखिए, बाकी इसके अलावा मैं एक एक करके बनाता हूं। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन है, तो इस पे बाहर, इस पे अंदर, ठीक है जी। इस पे नीचे 2mg, इस पे ऊपर टेंशन, अब इस पे आओ, इधर टेंशन T, वही सेम रस्सी है, टेंशन T और एक एम ए, बस वर्टिकल फोर्स में नहीं बना रहा। इस पे 5m पे, 5m का एफबीडी देखो, 5m पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? चलो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अलग अलग बनाते हैं। एक बार एफबीडी 5m का, एक बार एफबीडी m का, और एक बार एफबीडी 2m का, और तीनों बना रहे हैं 5m के फ्रेम में, ये समझना होगा। सबसे पहले मैंने 5m का एफबीडी बनाया, 5m को देखो, 5m का मतलब है कि ये पुली उसके साथ अटैच है, 5m के साथ अटैच है पुली, तो नीचे लगेगा 5m का वेट 5mg, बदले में ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन n1, एक तो ये हो गया। एक m ने 5m पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा n2, एक m ने 5m पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा n2, ये हो गया, बस वर्टिकल तो ये हो गया। हॉरिजॉन्टली देखें तो एक शैडो फोर्स पीछे लग रहा है 5m में, एक नॉर्मल रिएक्शन उधर से लग रहा है जिसको मैं एन बोल रहा हूं। अब ये ब्लॉक भी अटैच है, सॉरी ये पुली इसके साथ 5m के साथ, तो दो टेंशन इधर 2t, एक टेंशन इधर t, और एक टेंशन इधर t, और खुद के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो यार ये बना इसका 5m का कंप्लीट एपीडी। आप बताओ एक बार 5m का एफबीडी आपको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ जी बोलो, 5m का एफबीडी, या दोबारा समझाऊं? बोलिए दोबारा समझाऊं। ये देखो 5m, एक पुली इधर, एक पुली इधर, इस पुली पे टी नीचे, इस पुली पे टी इधर, इस पुली पे टी इधर, और ऊपर से भी टी इधर, और बाकी सब एमजी और ये सब दिखाए। अब मैं वर्टिकल फोर्सेज हटा रहा हूं, वर्टिकल मेरे किसी काम के नहीं इसमें, मैं इसी क्वेश्चन में मैं एक बार वर्टिकल फोर्सेज सारे हटा दिए, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेज की तरफ ध्यान दूं और खुद के रेस्पेक्ट में 5m रेस्ट पे है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज देखें तो इक्वेशन क्या बन रही है, देखो इधर की तरफ n प्लस 5m में, और इससे t कटेगा उधर की तरफ t, तो पहली इक्वेशन बनी t बराबर n प्लस 5m इंटू a, इक्वेशन नंबर वन। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? पहली इक्वेशन हमने यहां से बना दी। उसके बाद आप चलिए ऊपर वाले ब्लॉक पे, किसी पे भी, मान लो मैं इस पे चलता हूं, इस पे m पे, इस m पे हॉरिजॉन्टली बस देखो, एक तो t इधर है, एक शैडो फोर्स इधर है m में, और इस फ्रेम में ये b से इधर आ रहा है, इसके फ्रेम में ये b से इधर आ रहा है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन बनेगी, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन बनी t प्लस m a इज इक्वल टू m b, इक्वेशन नंबर टू। अब 2m पे हम चलते हैं, 2m का मैं एफबीडी बनाऊं इसके फ्रेम में, तो 2m पे आप देखो नीचे लगेगा 2mg, इधर लग रहा है 2ma, बाहर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर लग रही है t, और एक्सेलरेशन इस फ्रेम में नीचे है b। तो इसकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो इक्वेशन बन जाएंगे। वर्टिकली अगर आप इक्वेशन बनाते हो
तो इक्वेशन बनेगी 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड हॉरिजॉन्टली इक्वेशन बनाते हैं तो फोर्स बैलेंस होने n बराबर 2m इंटू ए, इक्वेशन नंबर फोर। यार एक बार आप जवाब देना कि आपको ये चार इक्वेशन समझ में आई कैसे बनाई हमने? ठीक है, और मैं तो सिंपली बहुत बेसिक मेथड से जा रहा हूं कि कोई नया सवाल आ जाए अटक जाओ तो यार अपने कम से कम इक्वेशन बनाना तो सीखिए। आप इकट्ठा भी एपीडी बना सकते हो, मैं तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूं अभी। अब देखिए, अब इनको सोल्व करना है क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि इक्वेशन तो बन गई सोल्व नहीं हो रही, तो सोल्व करना है तो एक एक चीज करके गायब करो ना। यहां से एन की वैल्यू आ गई, पहले एन गायब कर दो, पहली इक्वेशन में एन है, एन की जगह रख दो टू एम ए, तो टी बराबर टू एम ए प्लस फाइव एम ए, टी कितना आ गया 7m, लो n गायब यहां से। हमने क्या किया, लास्ट इक्वेशन से n का यूज करके और इसको गायब कर दिया, t बराबर 7m आ गया। इस t को इसमें पुट कर लो ताकि t गायब हो जाए यहां से, 7m प्लस m a 8m, 8m बराबर mb, m से m गया तो b बराबर 8a। आया यहां तक, b इज इक्वल टू 8a, यहां तक हमारा आ गया। अब चलिए इस इक्वेशन में चलें, किस में चले हो, 2mg माइनस टी, टी आपका है 7ma, तो 2mg माइनस 7ma इज इक्वल टू 2ma, तो ये उधर जाके बन गया 9ma। तो यहां से अगर a निकालूं तो a आ गया 2g बाई 9, ये क्या हुआ, हमने इसमें 2mg माइनस टी बराबर 2mb है यार, सॉरी 2mg माइनस टी, 2mg नीचे टी ऊपर और एक्सेलरेशन इसके फ्रेम में a नहीं b है, तो 2mg माइनस टी बराबर 2mb। अब देखो हमने इसमें पुट किया तो 2mg माइनस टी, टी की जगह आपने रखा 7ma इज इक्वल टू 2m इंटू बी, बी की जगह आप रख दो 8a, तो b की जगह 8a रखा तो 8 दो 16, तो 16ma बन गया, 16 और 7 23, 23ma, m से m कटेगा और 23 नीचे आ जाएगा तो a आ जाएगा शायद 2g by 23। क्या आंसर है इसका, यही है? Yes. ठीक है, आ गया, सिंप्लीफाई कैसे किया समझ में आया? एक अच्छा सवाल था, पेपर का एक अच्छा सवाल है, आप करना, ट्राई करना आराम से। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई फटाफट, समय कम है और आधा पेपर हुआ है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13वां भी आसान सा सवाल है। ये लिखता है, पहले मैं स्प्रिंग सेकंड साइड आता हूं, ये M2 है, यहां एक स्प्रिंग लगी हुई है, बोला है कि वो जो सेकंड स्प्रिंग है वो दबी हुई है कितना 0.5 मीटर। अगर ये 0.5 मीटर दबी हुई है तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी K इंटू एक्स, इसका K है 70 और 0.5 मीटर ये दबी हुई है तो 35 न्यूटन फोर्स इसने ऊपर लगा दिया, समझ गए हो? और M2 का वेट है 8, मतलब 80 न्यूटन वेट है, 35 न्यूटन स्प्रिंग लगा रही है तो शायद 45 बच गया, यानी कि बचा हुआ रोल स्प्रिंग, ये स्ट्रिंग प्ले कर रही होगी, तो टेंशन कितना हुआ, टेंशन आपकी होगी है 45 न्यूटन। अब आ जाओ दूसरी साइड, थोड़ा मैं साइड में बना देता हूं, M1 टेंशन तो 45 न्यूटन, टेंशन तो 45 न्यूटन और वेट है उसका 2 यानी कि 20, तो ये पूछता है कि फर्स्ट स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा, ऊपर 45 नीचे 20, तो इस पे कितना फोर्स नीचे चाहिए हमें, स्प्रिंग फोर्स नीचे कितना चाहिए, 45 माइनस 20 25 न्यूटन चाहिए बैलेंस करने के लिए। आया क्या यहां तक समझ में? पहली बात, अगर स्प्रिंग फोर्स नीचे चाहिए तो कंप्रेशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एक्सटेंशन हुआ होगा तभी वो खींच रही होगी, और 25 बराबर kx आप कर दीजिए, तो k उसका दिया गया है दैट इज 50, तो x बराबर 25 बाई 50 यानी कि 0.5 मीटर, लेकिन 0.5 मीटर कंप्रेशन नहीं हुआ, इन्होंने कंप्रेशन पूछा और आंसर आ गया 0.5 मीटर एक्सटेंशन, तो मैं क्या लगा क्या हूं, टिक माइनस 0.5 या 0.5, हाँ आ गया ना समझ में किस तरह से करना था। कितने बच्चों ने सही किया ये 13? यस सर। ठीक है, देखो 14
सवाल नंबर 14 देखते हैं हम। थ्री केजी, टू केजी, यहां फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.1, तो यहां जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एफ लिमिटिंग दैट इज 0.1 × 2g यानी कि 2 न्यूटन। यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 0.2 × 3 × g यानी कि 6 न्यूटन। ये है 0.1 × 2 × g। हाँ भाई, यहां तक आया ना समझ में कैसे किया हमने? ठीक है, इसके बाद देखो सबसे पहले पूछता है क्या क्या बताना है, वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक, फ्रिक्शन ऑन 3 kg ब्लॉक एंड टेंशन। देखो बड़ा फोर्स उधर है तो उधर से शुरुआत करो, 8 आपने लगाया तो टेंशन तक बात जाएगी नहीं, सबसे पहले सारा जोर लगा देगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना हो लेगा? 6 न्यूटन। जब तक आपने ज्यादा फोर्स इधर लगाया तो जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा 6 न्यूटन तो फ्रिक्शन आ जाएगा, उससे बात नहीं बनी तो बचा हुआ काम कौन कर देगी वहां पे? टेंशन। आई ना बात समझ में? अब देखो यहां टेंशन 2 है तो यहां भी टेंशन 2 होगी, अब 2 इधर टेंशन, 1 इधर रोकने वाला हो गया, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे? इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, और जितनी जरूरत है, दिस इज स्टेटिक फ्रिक्शन, दिस इज सेल्फ एडजस्टेबल, तो ये लगेगा 1 न्यूटन। मतलब इस कॉन्टेक्ट पे तो लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और इस कॉन्टेक्ट पे लग रहा होगा स्टेटिक फ्रिक्शन। अभी बताओ क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं ये वाला सवाल? तो यहां जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है दैट इज 1 न्यूटन, यहां फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है 6 न्यूटन और टेंशन है 2 न्यूटन, तो 162, तो आंसर आ गया सी। बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या कोई डाउट है इस सवाल में 14th में? बोलो दोबारा बताऊं क्या कुछ इसमें 14th में? नो सर। ठीक है, एग्जाम में कोई सही करके आया 14th? यस सर। ठीक है 15 देखो, 15 बड़ा आसान सवाल, बड़ा आसान सवाल, कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक सीधा रिजल्ट बेस्ड काम है। कैसे देखते हैं, यह अरेंजमेंट है, आपने इस रस्सी को काट दिया, रस्सी कट करते ही थ्रेड QR ये रस्सी को काटा है, रस्सी कट करते ही ये टेंशन एकदम जीरो, क्या स्प्रिंग फोर्स पे फर्क पड़ता है अचानक? पढ़ा है हमने ये, क्या स्प्रिंग फोर्स एकदम चेंज होता है या नहीं होता है बताओ? अरे क्या स्प्रिंग फोर्स एकदम चेंज होता है कट करने से? नो सर, कभी नहीं होता। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये पहले रेस्ट पे था अब भी रेस्ट पे रहेगा, तो M1 की एक्सेलरेशन तो कितनी हो जाएगी? जीरो। और M2 की इधर टेंशन हट गई, तो पहले ऊपर वाली टेंशन बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो मिलके वेट को और नीचे वाली टेंशन को बैलेंस कर रही थी, अब नीचे वाली टेंशन खत्म होते ही एकदम से ये किधर जाएगा? भाई मान लो ऊपर टेंशन थी 10 न्यूटन, 2 न्यूटन था वेट, 8 न्यूटन थी नीचे वाली टेंशन, आपने इसको कट किया एकदम ये खत्म हो गया, तो 10 - 2 नेट फोर्स किधर रहा? ऊपर रहा, तो एकदम से ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, तो ये इसका आंसर आ गया ए। किस किसने सही किया ये 15th? यस सर। ठीक है, आसान था ये 15th क्वेश्चन। 16th, 16th एक इतना सीधा सवाल है, इतना सीधा सवाल है, डरावना सा सिस्टम बना रखा है कि भाई ये ब्लॉक है ए, ये इस तरह से ये ब्लॉक है बी और ये ब्लॉक है सी, कुछ भी छोड़ो आप डायरेक्ट ऑप्शन सी पढ़ो, ये पुली पी है, पुली पी इस ब्लॉक से डायरेक्टली अटैच है, तो जितनी एक्सेलरेशन पुली की होगी उतनी ब्लॉक की होगी, तो सबसे आसान ऑप्शन ये, और कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली पी इज सेम एज एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये तो मानते ही क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और बाकी आप देखोगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17th, 17वां सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg
इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एफ बराबर माइनस के एक्स, वेयर के इज 15 न्यूटन पर मीटर, यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस 15 एक्स. वॉट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन. ये कहता है अगर एक्स है 0.2 मीटर इनिशियली, तो इनिशियल फोर्स निकाल लो. इनिशियल फोर्स होगा माइनस 15 इंटू 0.2, यानी कि माइनस थ्री. और यू कैन से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया दैट इज 3 न्यूटन. तो जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगी दैट इज फोर्स अपॉन मास 3 अपॉन 0.3, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या ये सवाल क्लियर हो गया है सभी को? 17 सीधा था, है ना भाई? हो गया? Yes, sir. ठीक है. 18 देखो, 18 एचसीवी में थे इस तरह के सवाल. दो दो पैरेलल डायरेक्शन ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस दो फोर्स लग रहे. एक ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इधर की तरफ से ब्लॉक अटैच कर रखा है M2, और M2 का वजन है 4 kg, यानी कि 40 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है. पैरेलल टू द सरफेस एक इधर लग रहा है, और इधर ब्लॉक अटैच है 3 kg का, तो इधर फोर्स है 30 न्यूटन. बाय पाइथागोरस इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है, 50 न्यूटन. ठीक है. अब ये कहते हैं ये जो तीसरा ब्लॉक यहाँ टेबल पर रखा है इसका मास है 10 kg, और यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.6, तो इस पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो. पहले लिमिटिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी. म्यू आपको दिया है 0.6, एम है 10 और जी भी है 10, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो है 60 न्यूटन, चलाने वाला है 50 न्यूटन. तो बताओ क्या चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ जी, पैरेलल टू द सरफेस इस पे नेट फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और रोकने के लिए मैक्सिमम अवेलेबल है 60 न्यूटन. तो बताओ चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है इस पे? स्टैटिक की लिमिटिंग. इस वक्त स्टैटिक, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, जितनी जरूरत है उतना ही लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में 50 लग जाएगा. क्या समझ में आ गया ये वाला सवाल? ठीक है. कितने बच्चों से हुआ सही? 50. यस सर. कोई 60 भी करके आया होगा शायद, कई इस तरह से कर देते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो. ये एक वॉल है, इसके साथ एक ब्लॉक है, और ये एंगल है 30 डिग्री इस तरह से. तो आपको बताना है फोर्स लगा रखा है 100 न्यूटन का, 3 kg का ब्लॉक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1/4, म्यू 1/4 है. तो आपको ये बताना है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा. पहले तो इस पे सारे फोर्सेस दिखा दो. 100 ही हूं, 100 आपने इधर लगा रखा है, ये 30 तो ये भी 30, तो 100 का ये कंपोनेंट आएगा 100 cos 30. 100 cos 30 कितना होता है? 100 cos 30 मतलब 50√3, और ऊपर आएगा 100 sin 30. 100 sin 30 मतलब 50. आप बताओ ये दो फोर्स बनाने आ गए आपको. ठीक है. नीचे लग रहा होगा इसका वेट, वेट है 30, ऊपर 50 और इधर 50√3. तो अगर मैं इसका एबीडी ढंग से देखूं तो इस पे इधर की तरफ तो लग रहा है 50√3, इतना बैलेंस करने के लिए तो इतना ही नॉर्मल बन गया होगा 50√3, और ऊपर 50 नीचे 30, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स बना 20 न्यूटन. पहले बताओ ये एफबीडी यहां तक आया समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब आपको ये देखना है ये चलेगा कि नहीं चलेगा. उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. म्यू है 1/4 इंटू एन, एन इज 50√3. 1/4 इंटू 50√3 ये है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन. 25√3/4 / 2. चलाने वाला फोर्स पैरेलल टू द दीवार है 20 न्यूटन. क्या रोकने वाला उससे ज्यादा है कि नहीं बताओ? क्या 25√3/2 20 से ज्यादा है या नहीं है? जल्दी बोलो. क्या 25√3/2 लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 से ज्यादा है या नहीं है? है बिल्कुल. ये दिख रहा है आप, कर लेना प्रोडक्ट. 20 से ज्यादा आ रहा है, 20 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? चल पाएगा? बताओ फिर से. नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में,
एंड स्टेटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, जितनी जरूरत है उतना ही लगेगा, तो यहां फ्रिक्शन इतना नहीं होगा बल्कि कितना होगा 20 न्यूटन। कौन कौन बच्चा ये सही करके आया है? कोई भी नहीं करके आया, कोई बात नहीं। मैंने आपको एक कई बार बोला कि ऐसे सवाल बड़े आते हैं जिनमें बच्चे μmg कर जाते हैं, जबकि चलना ही नहीं होता है ब्लॉक, और जो स्टेटिक फ्रिक्शन है वो लगेगा और जितनी जरूरत है उतना लगेगा। एक बार ये बता दो कि अभी समझ में आ गया है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 बोलो, जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये इस तरह का अरेंजमेंट है, ये इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एंगल 45 डिग्री और यहां एक स्प्रिंग है, बस ये है। तो इन्होंने पूछा कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मान लो एक्स कंप्रेशन है, अगर स्प्रिंग एक्स दबी होगी तो वो इस पे के एक्स फोर्स इधर लगाएगी, अगर स्प्रिंग एक्स दबी होगी तो इस पे के एक्स फोर्स इधर लगाएगी, और एक इस पे इसने लगा रखा होगा नॉर्मल रिएक्शन, बदले में इस पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक इस पे लग रहा होगा mg। मैंने एक हल्का फुल्का एफबीडी बनाने की कोशिश की है, इसका मास कैपिटल एम है, तो इस पे नीचे कैपिटल mg, उतना ही ग्राउंड का नॉर्मल एंड है। ये हमने एक ही डायग्राम में कुछ एफबीडीज बना दिए। सबसे पहली बात हमें इक्वेशन बनाओ, देखिए इसको देखते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली इट इज एट रेस्ट, हॉरिजॉन्टली ये रेस्ट पे है, तो अगर मैं देखूं तो देखो मान लो एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टली एक फोर्स तो इधर से लग रहा है kx, नॉर्मल ग्राउंड वाला वर्टिकल mg वर्टिकल, हाँ इसका कंपोनेंट जरूर बनेगा हॉरिजॉन्टल, ये जो नॉर्मल इसका ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एन को ये थीटा ये 90 माइनस थीटा हुआ तो एन साइन थीटा आएगा, यानी कि इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका, इसका जो नॉर्मल आएगा उसका कंपोनेंट बनेगा एन साइन थीटा। तो एक इक्वेशन बनी एन साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स, मैंने बीच वाले ब्लॉक को रेस्ट पे किया, इक्विलिब्रियम में किया, तो इक्वेशन बनी एन साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स। अब मैं इसको इक्विलिब्रियम में लाता हूं, इस पे इधर से दीवार ने भी एक एंड वोल्टेज लगा रखा होगा, तो आप हॉरिजॉन्टली छोड़ो, इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम करो, वर्टिकली इस पे एमजी और इस एन का ऊपर कंपोनेंट, इस एन का ऊपर कंपोनेंट, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये आया एन कोस थीटा, तो इस पे इक्वेशन बनेगी एन कोस थीटा इज इक्वल टू एमजी। मैंने क्या किया है आप बाद में कर लेना ट्राई, अगर नहीं हुआ है तो, इसका तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कर दिया और इसका वर्टिकल, और ये दोनों के बीच का एन, एन गायब करना है डिवाइड कर दो, एन से एन गया, टेन थीटा बराबर के एक्स अपॉन एमजी, और यहां से एक्स आ गया एमजी टेन थीटा बाई के। इस क्वेश्चन में थीटा कितना बताना, थीटा कितना इस सवाल में, 45 डिग्री, तो टेन 45 1, तो हो गया एमजी बाई के। बोला आप एक चीज पे ध्यान दो, आप खुद ट्राई करना है सवाल, इसका तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ले लिया और इसका वर्टिकल और एक दोनों के बीच का एन वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया सवाल नंबर 21। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओवर स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन जीरो होता है एक्स्ट्रा स्मूथ पे, बताओ अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस आए तो क्या फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा क्या? नो सर, वो तो और भी बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, बिल्कुल गलत, फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, किसी को सपोर्ट भी करता है। फॉर ए पर्सन वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए रफ सरफेस, हमने वॉकिंग ऑफ मैन पढ़ा था, वॉकिंग ऑफ मैन फ्रिक्शन हमें चला रहा था कि फ्रिक्शन हमें अपोज कर रहा था, बताओ? चला रहा था, तो इसका मतलब यही हो गया सी। 22वां सवाल, ये उस तरह का स्पेशल केस टाइप क्वेश्चन, वो जो पैराबोलिक की बजाय उस तरह का स्पेशल केस टाइप क्वेश्चन है, और ये इसने अनुज ने पूछा था, वही उस दिन अनुज का एक डाउट था जिसमें मैंने कहा था एंगल भी पूछ सकते हैं हाइट भी पूछ सकते हैं। अनुज आपने एंगल पूछा था, कोट थीटा बराबर समथिंग समथिंग आया था उसमें, यस सर। तो हाइट पूछनी है तो वो भी एक बार जो कोट थीटा ही आ गया, ये हाइट एच है तो ये आर माइनस एच होगी और ये आर होगी, अब कोट साइन कोस जो लगाना है लगा लो, उससे हो जाएगा। हो गया ये 22वां सवाल आपसे पेपर में, यस सर। कितने बच्चों से हुआ 22, और कोई बताओ? यस सर। ठीक है 23, इन द अरेंजमेंट शोन टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 4 kg एंड 6 kg,
बस वही देखना था, जब तक है फ्रिक्शन वही रहेगा, उसके बाद बाकी कुछ आएगा। 6 kg, 4 kg, 2 kg, यहां यू है 0.2 × 2 × g, यानी कि 4 N अवेलेबल है। यहां यू है 0.2 × 4 × g, 8 N अवेलेबल है फ्रिक्शन, और यहां यू है 0.2, तो 12 N अवेलेबल है। मैंने तीनों जगह के अवेलेबल फ्रिक्शन लिख लिए। अब देखो यहां से आपने अप्लाई किया 20 N, 20 N लगाया, तो रोकने के लिए पूरा पूरा 4 तो आ जाएगा फ्रिक्शन, बचा कितना बताओ, टेंशन कितनी होगी वहां पे, कितनी होगी यहां टेंशन, अरे 4 तो आ गया फ्रिक्शन। पहली बात चलेगा या नहीं चलेगा, पहली बात वो देखो, रोकने वाला टोटल फोर्स कितना है, 12 और 8 20 और 4 24, और चलाने वाला है केवल 20, तो क्या ये चलेगा ये सिस्टम? अगर मैं इस सिस्टम को देखूं, चलाने वाला है 20 और रोकने वाले 3 लिमिटिंग मिलके हो गए 24, क्या ये चलेगा क्या ये सिस्टम? नहीं चलेगा। अब देखो नहीं चल रहा, रेस्ट पे रखना है, 20 N आ गए तो 4 का फ्रिक्शन बचा कितना बताओ ना, बोलते ही नहीं हो, 16 N टेंशन, टेंशन इधर 16, तो इसको चलाने वाली 16, चलाने वाली 16 और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है 8, तो 8 तो वही आ जाएगा, तो बताओ यहां कितनी टेंशन और चाहिए, 8 N। अब यहां टेंशन 8 है तो यहां फ्रिक्शन 12 नहीं लगेगा, यहां स्टेटिक फ्रिक्शन लगेगा और कितना लगेगा 8, यहां लिमिटिंग लग रहा होगा 4, यहां लिमिटिंग लग रहा होगा 8, यहां स्टेटिक लग रहा होगा 8, यहां टेंशन होगी 60 N और यहां टेंशन होगी 8 N। सवाल में कौन सी चीज पूछी आपसे, हमने सारा इसमें देख लिया कि कहां क्या है, इन्होंने पूछा ये वाली टेंशन, तो ये आपकी होगी 8 N, ये आपका होगा सवाल नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, ये आता था यार आपको, आता था ना ये वेज वाला, वेज कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट, यस सर, कर आए होंगे आप तो ये। और आखिरी सवाल सबसे आसान सूडो फोर्स पे 25, आखिरी सवाल हम ले रहे हैं पेपर का, बस फिर ये डिस्कशन कंप्लीट। ये कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, कार में बैठा है, और कार की एक्सेलरेशन आगे की तरफ राइट की तरफ इतनी है, मतलब ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन ये है, इसमें एक बॉब है 0.1 kg का, पहली बात उस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, अगर ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन आगे है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे, मतलब ये राइट की तरफ थी तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ, और कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 0.1 × 5 कितना आएगा, 0.5 N टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या है यही आंसर दिया होगा डी 25 का। मेरे पास अभी की वाला पेज नहीं है, ये उस तरह से बस ये निकालें। अच्छा सुनो, इस ये चारों ऑप्शंस में ना न्यूटन में एन कैपिटल कर रखा है, मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी, ये एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है बस, जब भी कभी यूनिट का नाम लिखते हैं तो लेटर कैसा आएगा, स्मॉल आएगा कैपिटल आएगा, कैपिटल कब आएगा, किसने बोला है कैपिटल, जब भी कभी यूनिट का नाम लिखते हैं साइंटिस्ट के नाम पे अगर वो है तो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरुआत होगी, सिंबल कैपिटल एन होगा। तो इस पेपर में ये एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है लास्ट में, स्मॉल एन से स्टार्ट होने थे, परंतु ये बात टाइपिस्ट को नहीं पता होती है, ये तो वैसे एक जनरल फिजिक्स की बात है। चलो भाई पेपर हो गया डिस्कस, अब आगे हम कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।